हेलो एवरीवन, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन आर्मी न्यू रिक्रूटमेंट 2024। तो इस वैकेंसी के बारे में हम सारी डिटेल्स देखेंगे। तो ये जो वैकेंसी है आपकी इंडियन आर्मी की तरफ से 10+2 TES 52 जो कोर्स है आपका उसके लिए निकाली गई हैं। तो TES का मतलब होता है आपका जो है टेक्निकल एंट्री स्कीम होती है ये। तो इसके बारे में हम सारी डिटेल्स आगे देखेंगे कि इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी सैलरी क्या रहेगी, आपका जो है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। तो सारी चीज़ें हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की नई अपडेट या कोई नई वैकेंसी आती है तो उससे रिलेटेड वीडियो मिल सके। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इस जो है एंट्री के ओवरव्यू के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका ओवरव्यू। तो ये जो पर्टिकुलर साइंस के मतलब जो भी कंडक्टिंग बॉडी है उनके बारे में हम बात करें तो इंडियन आर्मी जो है इसको कंडक्ट करवाती है। नेम ऑफ द पोस्ट की बात करें तो इसमें जो है टेक्निकल एंट्री स्कीम 52 कोर्स है ये। इंडियन आर्मी TES 52 वैकेंसीज जो हैं इस बार 90 रखी गई हैं। तो मोड ऑफ अप्लीकेशन आपका ऑनलाइन ही रहेगा। आपके जो ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म है वो 13 मई से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट की बात करें तो 12 जून 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो लगभग आपको पूरा एक महीना दिया जा रहा है फॉर्म फिलअप करने के लिए। और इसके आगे हम बात करें लोकेशन ऑफ द जॉब की तो ऑल ओवर इंडिया आपकी कहीं भी लोकेशन रह सकती है। और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका रहता है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ अप्लीकेंट्स, यानी आपका जो है अप्लीकेशन फॉर्म शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। SSB होगा, इसमें SSB इंटरव्यू रहता है और फिजिकल फिटनेस होता है। और जो इसका आपका ऑफिशियल वेबसाइट है वो है joinindianarmy.nic.in। आप इस पर विजिट करके इसकी सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो ये जो है कोर्स ज्वाइनिंग डेट आपकी जनवरी 2025 में आपका जो है कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, यानी जनवरी 2025 तक ये ज्वाइनिंग दे देंगे। इसके आगे हम बात करें जो है इसकी नोटिफिकेशन, तो आपको बता दिया कि एप्लीकेशन फॉर्म आपके 13 मई से स्टार्ट हो चुके हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो इसमें जो है जनरल एंड OBC की 0, SC ST 0 सभी कैटेगरीज़ के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 0 रखी गई है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए। इसके आगे हम बात कर लेते हैं अब इसकी एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट इसमें जो रखी गई है वो आपकी 16.5 साल से 19.5 साल तक, यानी 16.5 ईयर से 19.5 ईयर्स तक आपका जो है इसमें एज लिमिट रहेगी। तो जो भी कैंडिडेट्स जो है 2 जुलाई 2005 और 1 जुलाई 2008 के बीच में इनका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो 16.5 साल से 19.5 साल के बीच में जो भी कैंडिडेट्स हैं। इसके आगे हम बात करें इसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में आपका जो रहेगा वो आप 12th पास होने चाहिए, यानी आपने 10+2 की हुई हो विथ PCM, यानी जो भी आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अगर 12th की हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से की हो, ऊपर से आपके पास 60% प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए 12th में, और आप जो है JEE मेंस में अपीयर हुए हों तभी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान में रखिएगा। तो इसमें पहले JEE मेंस नहीं कंडक्ट किया, मतलब कंसीडर किया जाता था, पहले JEE मेंस के अलावा ही आपके फॉर्म्स पड़ते थे। सिर्फ आपके 12th में 60% होने चाहिए थे, आप TES एंट्री के लिए एलिजिबल थे। मगर अब जो है इसमें JEE मेंस भी आ गया है, तो आप अगर JEE मेंस में बैठे हुए हैं, अपीयर हुए हैं, तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन आपका जो है 3 स्टेजेस में रहता है। पहला आपका रहेगा शॉर्ट लिस्टिंग, यानी आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। जो भी कैंडिडेट्स के 60% प्लस मार्क्स होंगे, 70% 75%, उन कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। फिर आपको जो है HSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जो कि आपका 5 दिन चलता है। तो इसमें Day 1 से लेकर Day 5 तक आपका क्या क्या प्रोसेस रहता है, जैसे कि स्क्रीनिंग हो गया, OIR हो गया, पर्सनल इंटरव्यू हो गया, फिर लास्ट में आपकी 5वें दिन पे कॉन्फ्रेंस रहती है। तो ये आपके SSB में 5 दिन तक रहता है। अगर आपको SSB के बारे में फुल जानकारी चाहिए तो जो है मेरे चैनल पे चाहिए, उसमें मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है SSB के ऊपर। तो जो भी कैंडिडेट्स SSB के बारे में जानना चाहते हैं तो SSB के बारे में मेरी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं कि Day 1 से लेकर Day 5 तक क्या क्या SSB में कराया जाता है। अब बात करें 3rd की, तो इसमें जो है आपका फिर मेडिकल होगा, और मेडिकल में आपका जो है मेडिकल अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसके आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है कम्प्लीट कराया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट्स जो है इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो HSB की सारी डिटेल्स जो है प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी सैलरी के बारे में।
तो हम जो है इसकी रैंक वाइज आपकी सैलरी की बात करेंगे, तो इसमें जो रैंक रहती है आपकी, ज्वाइनिंग जो होती है आपकी, वो लेफ्टिनेंट के पद पर रहती है, और 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये के बीच में आपकी जो है सैलरी रहती है। कैप्टन की बात करें, इसके बाद जो जब 2 साल बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा, तो आपकी जो सैलरी है वो 61,300 से 1,93,900 रुपये तक हो जाती है। तो जो है सैलरी काफ़ी अच्छी है, ए ग्रेड की जॉब है। उसके बाद में जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता जाएगा, वैसे ही आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। आप मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल और ब्रिगेडियर, आप जो है इसमें TS एंट्री में जो ब्रिगेडियर मेजर जनरल तक भी आप पहुंच सकते हैं प्रमोशन के तहत। इसके जो आपका मेजर के बाद जो प्रमोशंस होते हैं, वो आपके काम पर निर्भर करते हैं, आप कैसा काम कर रहे हैं, आपके परफॉर्मेंस पे जो है ये सारी चीज़ें निर्धारित की जाती हैं। तो हमने जो है सारी वैकेंसी के बारे में सारी डिटेल्स देख ली हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी करंट एग्जाम की नई अपडेट या कोई नई वैकेंसी आती है तो उससे रिलेटेड वीडियो मिल सके। और आप जो है SSB के बारे में ज़रूर जाके देखिएगा कि SSB में Day 1 से लेकर Day 5 तक क्या क्या होता है, तो उससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि आपके जो आपका जो कमीशन है वो आपसे क्या चाहता है और क्या जो है आपके अंदर देखता है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। थैंक यू।